आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। घोटाला प्रदेश, चौपट प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश, जो जो मैं सुनता हूं, आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, उनमें से आप भी है, या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या गवाह है। सही बात है, भ्रष्टाचार के शिकार या गवाह है आप। ये आज हालत बनाई है अपने प्रदेश की और ये तस्वीर हमारे सामने है। आज मैं नौजवानों की तरफ देखता हूं, ये नौजवानों की तरफ देख के मुझे बड़ी बेचैनी होती है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे सागर जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। और यही नौजवान का भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। आज के नौजवान में एक तड़फ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी हर 10-11 महीने घोषणा करते हैं 1 लाख भर्ती होने जा रही है। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप रिक्त पद भर दीजिए, आप सबसे पहले तो बैकलॉग भर दीजिए। ये 1 लाख की बात छोड़िए, इनकी नियत देखिए, इनकी नियत क्या है। और अगर भर्ती होती है तो पैसे दो, भर्ती कराओ। पटवारी घोटाला तो आपने सुना ना,